Hello, standard 9 English. We have unit 14, reach for the top. Maria Sharapova. Last time हमने देखा था कि मारिया को बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे, पर वो मेंटली टफ थी, इसलिए डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. When you come for nothing, जब आपके पास कुछ नहीं हो and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. उसका उसने बोला था कि जब आपके पास कुछ नहीं हो और आपको कुछ कर दिखाना हो तो आपको ज्यादा जैसे तड़प लगती है, दृढ़ निश्चय होता है. आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन, मतलब उसने बहुत कुछ इंसल्ट अपमान सहा था. Then that to steadfastly pursue my dream, मतलब उसकी वजह से मेरा ड्रीम थोड़ा ज्यादा मजबूत हो चुका था. Now paragraph number 6, that toughness runs through Maria, मतलब कि वो toughness Maria के अंदर थी even today. It was the key to her bagging the women's single crown, उसकी वजह से उसने विमेल का सिंगल क्राउन जीता था एट विम्बल्डन इन 2004 एंड टू हर मीटियोरिक राइज, और धीरे धीरे उसमें बढ़ावा आया था टू द वर्ल्ड नंबर स्पॉट वन स्पॉट इन द फॉलोइंग ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर वो नंबर वन बन चुकी थी. नाउ पैराग्राफ नंबर 7, व्हाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, की जर्नी कैसे थी, जैसे फ्रोजन प्लेन्स ऑफ द साइबेरिया, जैसे बर्फ से पर्वत हो और फ्रोजन हो चुके हो. टू द समिट्स ऑफ विमेन्स टेनिस, और विमेन की टेनिस में हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैन, उसने टेनिस के जो फैंस थे उसके हार्ट को टच कर लिया था. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, और नो रूम फॉर सेंटिमेंट वैसे वो ऐसा मानती थी. The straight looks, सीधा दिखना, and the answers she gives when she asked about the ambition, जब उसको उसके ambition के बारे में पूछा गया. Make it amply clear, उसने साफ बताया, that she considers the sacrifices were worth it, उसने बताया कि जो sacrifice होता है, मतलब कि जो बलिदान होता है, उसका काफी बहुमूल्य होता है. Told, I am very competitive. Competitive मतलब मैं बहुत स्पर्धात्मक थी. I work very hard at what I do. मैं जो भी काम करती थी, मैं बहुत हार्ड वर्क करती थी. It's my job. वो मेरा काम था. This is her mantra for success. और वो उसका सफलता का मंत्र था कि मैं खुद काम करती थी. Very hard work. और जो भी काम करती थी वो पूरी लगन से करती थी. पैराग्राफ नंबर 8, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विथ ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, वो वैसे तो मारिया शारापोवा अमेरिकन एसेंट, अमेरिकन जैसे बोली बोलती थी. शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी, और वो गर्व से बोलती थी कि उसकी नेशनलिटी है वो रशियन है. Clearing all doubts, she says, वो doubts solve करके बोलती थी, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life. उसने बताया था कि US मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है. But I have Russian citizenship. परंतु मेरी citizenship कैसी है, Russian है. My blood is totally Russian. मेरा blood है वो totally Russian है. मतलब वो अपने देश के लिए प्राउड फील कर रही थी. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर द रशिया, उसने बोला कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक खेलना चाहती हूँ. इफ दे वॉन्ट मी, अगर उसको मेरी जरूरत है तो, मतलब रशिया के लिए. नाउ पैराग्राफ नंबर 9, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, जैसे छोटे सी उम्र में टीनेज एज में सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, वो फैशनेबल थी, सिंगिंग डांसिंग वो सब की उसकी हॉबी थी. शी लव्स रीडिंग
द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उसको उसकी नॉवेल पसंद थी। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, उसको शाम के सोफिस्टिकेटेड गाउन्स पसंद थे। अपीयर्स एट ऑड विथ हर लव ऑफ पैनकेक्स, और उसको पैनकेक्स पसंद थी विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स के साथ। नाउ पैराग्राफ नंबर 10, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। पिजन होल का मतलब क्लासीफाई होना। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिजायर, उसकी टैलेंट में ऐसी डिजायर थी टू सक्सीड, सफल होना, इन रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, इवन लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसकी वजह से वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी थी। फ्यू वुड ग्रज हर, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। सिद्धर रिची सी इज नाउ रिपिंग, जो सफल होते हैं और जो जो हार्डवर्क किया है उसको रिपिंग, वो रिपिंग मतलब वो जो मेहनत की थी वो उसको बुन रही थी। दिस इज वॉट सी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स, वो अपने मॉनेटरी गेन्स के बारे में बोलती थी। फ्रॉम टेनिस ऑफ कोर्स, मनी इज अ मोटिवेशन, और वो बोलती थी कि मनी सिर्फ एक मोटिवेशन है, टेनिस इज अ बिजनेस एंड स्पोर्ट, टेनिस बिजनेस भी है स्पोर्ट्स भी है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था उसके लिए, नंबर वन बनना। दैट द ड्रीम दैट केप मी गोइंग, और उसकी वजह से मेरा ड्रीम में मैं आगे बढ़ती ही जा रही थी। तो आपने देखा इस चैप्टर में कि मारिया शारापोवा ने बहुत सारा स्ट्रगल किया था और स्ट्रगल करके वो टेनिस में नंबर वन स्थान पे पहुंच चुकी थी और विंबलडन का उसने कप भी जीता था। अप टू हियर, थैंक यू।